देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिकेटर डायग्राम्स को। तो उन इंडिकेटर डायग्राम के बारे में समझते हैं, कौन कौन से केसेस में किस किस टाइप के इंडिकेटर डायग्राम्स को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंडिकेटर डायग्राम, और यू कैन से दैट पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इसमें सबसे पहला केस है व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए देखिए क्या ग्राफ बनेगा और क्या क्या कंडीशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, इसमें हम लोग जो y एक्सिस है उसको प्रेशर एक्सिस के लिए यूज करेंगे, और जो x एक्सिस है दैट विल बी द वॉल्यूम एक्सिस। और हमने ये कंसीडर किया कि जो भी हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और इस इनिशियल कंडीशन में यहाँ का प्रेशर p है, वॉल्यूम v1 है। सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज p, 1 atm, 2 atm जितना भी है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 atm प्रेशर था, तो 2 atm प्रेशर पर हमने ये मेजर किया कि इसकी जो अभी वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज v1, सो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम v1। अब हमने गैस को गर्म करना शुरू किया, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हीट एनर्जी देंगे और ये कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। तो कंडक्टिंग वॉल्स होने की वजह से ये गैस कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी सोर्स के थ्रू, और एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ के पार्टिकल्स हो जाएंगे फास्ट मूविंग, और फास्ट मूविंग पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में जा करके तो क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इस हाई प्रेशर की वजह से ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, प्रेशर पहले जितना था फिर से उतना हो जाएगा, क्योंकि ये हमने स्टडी किया था पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये जो बॉयल्स लॉ है, ये कौन सी कंडीशन पे थी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं, हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में आप इस पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को नहीं देखेंगे। इस केस में मैंने क्या बताया है, इस केस में मैंने लिखा है कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि जब ये इस कंटेनर में थी गैस तो इसमें पार्टिकल्स यहाँ पर थे, और जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और ये पार्टिकल जाकर के अलग अलग डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे। बाकी की वॉल्स तो फिक्स हैं, ये मूव नहीं करेंगी, लेकिन पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता है, ये फ्री है, ये एक्सपेंड होने के लिए हमने इसको फ्री छोड़ रखा है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो ये ऊपर की तरफ इजीली जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी बढ़ी थी, पार्टिकल्स की जो एनर्जी बढ़ी थी उससे वर्क डन होगा, इस पिस्टन पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने पर ये डिस्प्लेस होगा, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये गैस वर्क डन करेगी पिस्टन को ऊपर लेकर के जाने में, ये एक्सपेंशन है, लेकिन इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। प्रेशर कॉन्स्टेंट रहने का रीजन ये है कि अब पार्टिकल्स के जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज हो चुका है तो अब पार्टिकल को इतनी दूर जल करके जाना पड़ेगा, तब जाकर ये कोलाइड करेगा इसकी वॉल्स के साथ। तो हम ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, मतलब कि कॉलिजन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अगर कंटेनर छोटा होगा तो कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी, और अगर कंटेनर बड़ा हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो कॉलिजन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो पर सेकेंड अगर कॉलिजन कम होंगे तो प्रेशर भी कम अप्लाई होगा, तो ये इसका रीजन है। तो जैसे जैसे इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर से प्रेशर उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। ओके, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये जितना भी प्रेशर था इस प्रेशर को हमने पी मान लिया, एंड दिस इज द प्रेशर एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस है,
एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। तो पी प्रेशर पर वॉल्यूम वी वन थी। अब जैसे जैसे हमने इसको हीट अप किया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुई, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद में क्या हुआ, वॉल्यूम वी टू हो गई। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम वी वन है, जब पिस्टन यहां से यहां चला जाता है तो वॉल्यूम इतनी इंक्रीज हो जाती है। सो इन द फाइनल केस द वॉल्यूम इज वी टू। दिस वॉल्यूम, इस पूरी वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ेगा आपको सेकेंड केस में। तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन प्रेशर कैसा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है। अगर मैं इस पिस्टन को यहां पर ब्लॉक कर दूं, ये पिस्टन को अगर मैं यहां पर ऐसा ब्लॉक कर दूं, ये ऊपर की तरफ अगर ना जा पाए तो जब आप इसको टेम्परेचर दोगे, जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर भी राइज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी देने से पार्टिकल हाई वेलोसिटी से कोलाइड करेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज। कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और इट विल एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जैसे कि हम लोग वाटर को बॉइल करते हैं ओपन कंटेनर में, अगर ओपन कंटेनर में आप वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो उस केस में भी प्रेशर इंक्रीज नहीं हो सकता। प्रेशर इंक्रीज क्यों नहीं होगा, उसका सीधा सा रीजन ये है कि जब आप इसको ओपन कंटेनर में बॉइल करोगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलते ही ये पार्टिकल सराउंडिंग में चले जाएंगे, ऐसा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सराउंडिंग का प्रेशर कितना है, 1 atm। और यहां पर ये जो ओपन कंटेनर है इसके ऊपर भी कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है सराउंडिंग, 1 atm। तो पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो जाए, इसके आसपास का सब जगह का प्रेशर कैसा रहेगा, 1 atm ही रहेगा। तो जब आप ओपन कंटेनर में वाटर को बॉइल करोगे या किसी भी सब्सटेंस को गर्म करोगे और वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उस समय पर क्या हो रहा है, उस समय पर भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। ये पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए, एक्सपेंड हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और इससे एटमोस्फेयर के प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आते तो ये प्रेशर फिर से कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। पहले इतनी वॉल्यूम में वाटर था, अब जितना भी स्पेस आसपास है वो सारी वॉल्यूम के अंदर वेपर क्या होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि वॉल्यूम वी वन से वी टू हो रही है और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम के इंक्रीमेंट को ये बताएगा दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अब इसके बाद इसमें हम आते हैं कैलकुलेशन पे। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने से ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वर्क डन। और मैंने आपको इसके वर्क डन के कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता रखा है। तो तीन तरीके से वर्क डन की कैलकुलेशन की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सो हेयर वी विल राइट द स्टेटमेंट वर्क डन बाय द सिस्टम। हम पिस्टन को ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो गैस गर्म हो रही है, इस गैस के हीटअप होने की वजह से ये पार्टिकल जाकर के कोलाइड करते हैं और पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। सो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, द गैस इज डूइंग द वर्क। सो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी कैलकुलेटेड बाय पी डेल्टा वी। और ये पी डेल्टा वी की वैल्यू कैसी आएगी, तो आंसर है पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। पहले वॉल्यूम 1 m³ थी, बाद में वॉल्यूम 5 m³ हो गई। तो कैसे निकालोगे चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम है 5 m³, इनिशियल वॉल्यूम है 1 m³। कितना चेंज आया, तो आंसर है 4 m³ का चेंज आया। और ये कैसा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। सो दिस विल बी पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक वर्क डन की कैलकुलेशन तो हम इससे कर सकते हैं। दूसरा वर्क डन की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, W कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अच्छा, ये एरिया कहां पर मेजर करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी ग्राफ होगा उसको आपको ज्वाइन करना है कौन से एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वॉल्यूम एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे और इसमें जो आपको एरिया दिखाई देगा दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ।
और एक कैसा एरिया दिख रहा है, तो आंसर है रेक्टेंगुलर एरिया। हेयर दिस इज लेंथ, और ये लेंथ किसको बता रही है, प्रेशर को। यहां पर लिखा हुआ है जीरो प्रेशर, यहां लिखा हुआ है पी प्रेशर, तो कितना चेंज हुआ, पी माइनस जीरो करेंगे सो दिस विल बी पी। और वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम वी टू इनिशियल वॉल्यूम वी वन, सो द चेंज इन वॉल्यूम इज वी टू माइनस वी वन, एंड दिस इज द ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो ये मेरे को रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है इस एरिया की, सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे लिखेंगे पी, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, वट इज द ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल, ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल इज वी टू माइनस वी वन, और वी टू माइनस वी वन को क्या लिख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन को लिख सकते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज द वर्क डन विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ग्राफ ऑल्सो। तो हम आगे के जो भी कैलकुलेशंस करेंगे उनमें जब भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो किससे करेंगे, ग्राफ से। और ग्राफ के क्वेश्चंस आते भी हैं कॉम्पिटिशंस के अंदर, ये ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ग्राफ से आपको एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये जनरल टर्म है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आएगा उसमें भी आपको इसी तरह के वर्क डन की कैलकुलेशन मिलेगी, लेकिन वो जो वर्क डन होगा वो मैकेनिकल वर्क डन होगा। दिस वर्क डन इज, ये भी मैकेनिकल वर्क डन है लेकिन इसमें गैस वर्क कर रही है। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहला तरीका बताया फॉर्मूला की हेल्प से, दूसरा तरीका बताया ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर देंगे उससे भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड मेथड देखिए क्या होगा, दिस इज द थर्ड मेथड, थर्ड मेथड इज ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मेथड कैसे अप्लाई करते हैं उसी के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, देखिए क्या। अच्छा, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये कैसे पता लग रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इस एरो से पता लगेगा। अगर ग्राफ ए से बी की तरफ जा रहा है, अगर ग्राफ की डायरेक्शन हमने ए टू बी रिप्रेजेंट कर रखी है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं बी से ए कर दूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी एरिया की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी, ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है ये कितना हो रहा है, डीवी, स्मॉल चेंज। पहले वॉल्यूम यहाँ पे कुछ थी, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। सो इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम देन स्मॉल वर्क इज डन, तो स्मॉल वर्क डन होगा तो लिखेंगे पी डॉट डीवी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, सम कर देना, जोड़ देना सबको, उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो अगर इस स्मॉल चेंज में, ये स्मॉल वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है इसमें इतना वर्क डन हो रहा है, तो नेक्स्ट जो चेंज होगा उसमें भी डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, नेक्स्ट जो चेंज होगा उसमें भी डी डब्ल्यू वर्क डन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे। अब मैंने ये नेक्स्ट स्ट्रिप ली, इसमें भी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, इसमें जो वर्क डन होगा उसको DW से लिखा, तो DW 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 सारे DW को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन विल बी रिटन एज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट लिखेंगे V1 टू V2, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट ही है तो इसको P लिख देंगे, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसको DV से लिखेंगे, और कहां से कहां तक वॉल्यूम चेंज हो रही है, कहां से कहां तक वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आंसर है V1 टू V2, सो दिस इज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है। अब P तो कांस्टेंट है, P का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीवी का, 1 डीवी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P को हम इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर लिख देंगे, सो दिस विल बी लोअर लिमिट इज V1, अपर लिमिट इज V2 एंड 1 डॉट डीवी। या आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है That will be V, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अगर dx लिखा होता तो यहाँ x लिखते, dv लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, dv, dv का जो इंटीग्रेशन होता है that will be V, so it will be V, ये V आ जाएगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपने स्टडी कर रखे होंगे, लोअर लिमिट है V1, अपर लिमिट है V2, पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस सिंबल लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या आ जाएगी, P अपर लिमिट इज V2, तो V के प्लेस पे V2 लिखेंगे, सो दिस विल बी V2, फिर मैंने बताया था माइनस सिंबल लगाएंगे,
फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करोगे वी के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, वी वन, सो दिस इज द टोटल वर्क डन, वी टू माइनस वी वन इज चेंज इन वॉल्यूम। तो तीनों तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, फॉर्मूला सेम बनेगा और पॉजिटिव वर्क डन आएगा इस केस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस फर्स्ट केस की। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं किसके लिए, मैं तीनों मेथड दोबारा नहीं बताऊंगा, बस हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में लिखते रहेंगे और इन तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूं। ये सारे इंफॉर्मेशन को अब एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं और उस स्टेटमेंट से आपको इसको याद रखना है। सो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड बाय पी डेल्टा वी, और यू कैन से दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू पी डी वी, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी यही आएगा। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। तो ये तीन तरीके से हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ग्राफ के अंदर जो डायरेक्शन आपको दिख रही है दैट इज ए टू बी, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कहां से कहां है, ए से बी की तरफ है। अगर ए से बी की तरफ है डायरेक्शन, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क डन का मैं जनरल फॉर्मूलाज यहां लिख देता हूं, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हेल्प से यही फॉर्मूला बनेगा, एंड इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। अब हम लोग जनरल फॉर्मूला बन चुके हैं, जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया, अब अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया ये रहा। अब इस केस में मैंने बोला था W विल बी पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज डेल्टा V इज पॉजिटिव, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा देन पी डॉट डेल्टा V, इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, इसकी वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। और वर्क डन के पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, इफ W इज पॉजिटिव देन वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट याद होगी होगी आपको, पॉजिटिव वर्क डन मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, सेकेंड केस में इसका रिवर्स डायग्राम बनाते हैं। When gas is compressed, जब गैस को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, when gas is compressed at constant pressure, constant pressure पे देखो कैसे expand, कैसे compression होगा, इसके बारे में discuss करते हैं। इसमें energy का loss करवाना पड़ेगा, एनर्जी जब लॉस होगी तो पार्टिकल अपने आप स्लो हो जाएंगे, और प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर फिर से लो हो जाएगा। कंप्रेशन में वैसे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, सो दिस इज प्रेशर एक्सिस, ये इंडिकेटर डायग्राम है इसका, ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। और फिर से हम लोग दिखाते हैं कि प्रेशर यहाँ पर पी था और पहले जो वॉल्यूम थी This one, ये V1 वॉल्यूम है, हायर वॉल्यूम है, और ग्राफ की एरो, ग्राफ की जो डायरेक्शन है हमने A से B की तरफ दिखा रखा है, और A पर वॉल्यूम V1 है, B पर वॉल्यूम क्या होगी, B पर वॉल्यूम हो जाएगी V2, सो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। तो जब आप इनको माइनस करोगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा V, डेल्टा V इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। पहले वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब थी, अभी हमने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन करने पर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगी, तो 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब हो चुकी है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो आंसर है फाइनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। सो 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस 4 आएगा,
तो इस केस में जब भी आप चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है तो श्योर है डेल्टा वी की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू के कारण यहाँ पर ये वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव हो चुके तो इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। उसमें क्या स्टेटमेंट यूज की थी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसमें क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसमें हम लोग हीट एनर्जी देंगे नहीं, हीट एनर्जी का लॉस होगा सराउंडिंग में। देखिए पहले ये वॉल्यूम थी, पिस्टन पहले इस जगह पर था, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, और इस इनिशियल कंडीशन में पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, और इस कंडीशन में वॉल्यूम है V1। अब जब हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो इस सिस्टम पे वर्क डन होगा, और उस वर्क डन से क्या होगा, ये जो गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। पिस्टन को जैसे ही आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, आपने मान लीजिए 10 जूल का वर्क किया, वो 10 जूल का वर्क डन कहां जाएगा, तो आंसर है वो 10 जूल का वर्क डन इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी होगी, अब ये पार्टिकल पहले से फास्ट मूविंग हो जाएंगे। अगर फास्ट मूविंग हो जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ही है तो क्या होगा, तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं, जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेशन करने पर होता यह है कि यहाँ का इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि जितनी भी आप एनर्जी खर्च करोगे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने में, इससे वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगी, कंप्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे कंप्रेशन करने पर। और अगर यहाँ का टेम्परेचर राइज हो चुका है तो ये सिस्टम हायर टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पर है, तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब धीरे धीरे ये सिस्टम अपनी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, और सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी कहाँ से आई, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी से। और अगर हीट एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल स्लो मूविंग हो जाएंगे, और स्लो मूविंग पार्टिकल अब प्रेशर क्या नहीं लगा पाएगा, ज्यादा नहीं लगा पाएगा। तो बेसिकली जब वॉल्यूम V1 थी उस समय जितना प्रेशर था, दोबारा से यहां पर उतना ही प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। फिर से अगर यहां पर प्रेशर P था, कंप्रेशन करने के बाद भी प्रेशर P किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो आंसर है कि आप जैसे ही कंप्रेस करोगे, कंप्रेशन के बाद थोड़ा रुक जाना, कंप्रेशन करने के बाद रुकेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो गैस गर्म हुई थी कंप्रेशन में, ये अपनी हीट को रेडिएट करेगी, और इस सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी। सिस्टम की एनर्जी के कम होने का मतलब है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है तो वो पहले से कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर इंक्रीज होगा जरूर, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है, कैसे, हीट एनर्जी का एक्सचेंज करवा के। तो ये जो सिस्टम होगा ये कौन सी वॉल का बनाना पड़ेगा, ये कंडक्टिंग वॉल का सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि हीट एनर्जी का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। सिस्टम की जो भी हीट एनर्जी बढ़ेगी वो सराउंडिंग में जानी चाहिए। अब थर्ड केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्लोज कंटेनर लिया और हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पहले प्रेशर P1 था, जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होते होते कितना हो रहा है, P2 तक जा रहा है। ठीक है, प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे सिस्टम को, तो उस हीट एनर्जी से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो हाई वेलोसिटी से जाकर के कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे। कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे तो पहले से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे इसकी वॉल्स पे। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग खाना पकाते हैं तो उस समय पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक विसल लगी होती है। वो विसल क्या करती है, जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको बाहर निकाल देती है। गैसेस के कारण जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के कारण तो विसल ऊपर की तरफ उठती है और गैसेस बाहर आ जाती हैं।
तो ऐसा होता है, अगर उस विसल को भी हम लोग क्लोज कर दें तो आप उसके अंदर वाटर को फिल कीजिए और प्रेशर कुकर को बंद कीजिए, उसके ऊपर जो विसल है उसको भी क्या कर दीजिए, टाइटली पैक कर दीजिए। अब आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब उसको गर्म करेंगे तो प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि ये पार्टिकल जब जाकर के हाई वेलोसिटी से इसकी वॉल को हिट करेगा तो वॉल ब्रेक हो जाएगी, प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो इन पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि ये इतनी हाई वेलोसिटी से जाकर के टकराते हैं कि ये प्रेशर कुकर की मेटल की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, वॉल्स को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने इसी तरह का क्लोज कंटेनर लिया हुआ है, लेकिन हम प्रेशर इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं कि वॉल्स ही टूट जाए। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रही, वॉल्यूम तो सिर्फ तब बढ़ेगी जब वो कंटेनर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, उस समय पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा। इसके ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो एक्सिस, y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड और प्रेशर एक्सिस, एंड x एक्सिस पे हम लोग किसको दिखाएंगे, वॉल्यूम को। और यहां पर हमने ये लिखा दैट वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज कैपिटल V। तो इस कंटेनर की वॉल्यूम V है। प्रेशर कितना था, तो आंसर है प्रेशर P1 था, ये वाला पोजीशन A है, A पॉइंट है। अब हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया तो हमने देखा प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और ऊपर की तरफ अगर हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते कहां तक जा चुका है प्रेशर, P2 तक जा चुका है। सो दिस इज द ग्राफ इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ किसको बताएगा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर एरो नीचे की तरफ लगा देता हूं, अगर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो वॉल्यूम तो अभी भी फिक्स रहेगी क्योंकि क्लोज कंटेनर है, लेकिन क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। और प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे या इस सिस्टम से हीट को ड्रॉ करेंगे, तो आंसर है इस सिस्टम से हीट को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे जैसे आप इस सिस्टम से हीट को ड्रॉ करते रहोगे, बाहर निकालते रहोगे हीट एनर्जी, ये रेडिएट करता रहेगा, तो इस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और पार्टिकल स्लो हो जाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो प्रेशर किससे रिलेटेड है, पार्टिकल के मोशन से ही रिलेटेड है। तो अगर आप इनके मोशन को डिक्रीज कर दोगे, ये एनर्जी को रेडिएट कर देगा अगर सराउंडिंग में, तो उस समय पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें अप एरो बना रखी है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डाउन एरो बना रखी है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अप एरो बना रखी है तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डाउन एरो बना रखी है तो हीट एनर्जी इससे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, इस केस में वर्क डन कितना आएगा, तो आंसर है वर्क डन जीरो होगा। क्यों? बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, हियर नो चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज V, फाइनल वॉल्यूम इज V, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम आएगा जीरो। इफ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, देन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जैसे ही इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे पी इंटू जीरो, सो वर्क डन इज जीरो, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो मैंने ये आपको नेसेसरी कंडीशन बताई थी। क्या नेसेसरी कंडीशन बताई थी, कि वर्क डन के लिए क्या कंपल्शन है, कंपल्शन है कि वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है, ये नेसेसरी है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ना हम सिस्टम पे वर्क कर पा रहे हैं और ना सिस्टम कोई वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज कंपल्सरी, वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है अगर आप वर्क डन कुछ चाहते हैं, सिस्टम पे वर्क डन करना चाहते हैं या सिस्टम कुछ वर्क डन करे तो। सो हियर वर्क डन इज जीरो। अब बताओ कि डाउट वाले कौन कौन है।